मेरे ख्याल से यू नो एज एन आर्टिस्ट आई फील कि वो एक पिलग्रिमेज बन जाता है, जैसे कि वो मूर्ति स्थापन होता है ना, तो फिर उसमें हम लोग विश्वास करते शुरू करते हैं, फिर वो एक पिलग्रिमेज जैसा हो जाता है, एक एक स्पॉट बन जाता है, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको जाना ही चाहिए उधर। मेरे ख्याल से बिएनाले ट्रिएनाले ऐसा हो जाता है, जिसमें ऐसा कुछ गैलरी एग्जीबिशन कमर्शियल टाइप का नहीं है, लेकिन यार टोटल पैकेज ऑफ एवरीथिंग आर्ट रिलेटेड कुछ भी है, और आर्ट भी इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो आता है कि वो आर्ट जस्ट वो विजुअल आर्ट की ऐसा कुछ नहीं है कि पेंटिंग है कि स्कल्पचर है, ऐसा नहीं है। लोग सोच सकते हैं ये बिएनाले क्यों होता है, इतना पैसा खर्च करके क्या इसका फ़ायदा क्या है। इमीडिएट तो ओवरनाइट फ़ायदा कुछ होता नहीं है, फ़ायदा होता है जब हम 3 महीना बाद बिएनाले के बाद सोचते हैं, एक मेमोरी, अच्छा वो एग्जीबिशन देखा था, वहाँ किसी के साथ मैंने मीट किया, कितना अच्छा बात किया था, एक लेक्चर सुना था। ये जो रेजोनेंस होता है ना, मेरे ख्याल से यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिएनाले भी वो और अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ वो बिजनेस का कुछ होता नहीं है, वहाँ सिर्फ एकदम यू नो लाइक नॉन प्रॉफिट, और वहाँ आर्टिस्ट जो इन्वाइटेड होता है वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम कर सकते हैं, और ये नेक्स्ट जनरेशन या यंग आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट या आम लोग भी देखते हैं, जिनका मन में होता है कि आर्ट तो बिजनेस के लिए है, ये सेल करते हैं आर्ट, बस इस टाइप का आर्टिस्ट का काम ही आर्ट होता है, कोई सोचेगा नहीं कि ये पब्लिक आर्ट जो रास्ते में जो पेंट कर रहा है कुछ होता है, पेड़ लगाना भी एक आर्ट होता है। ये जो कॉन्शियसनेस जो बढ़ाता है ये इस टाइप का आर्ट इवेंट में, कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम क्या होता है आर्ट का, ये हमारे अंदर आता है। तो ये बिएनाले जैसा ये सब इवेंट जो होता है ये तो लेके आते हैं।